हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का सेकेंड ODI जो कि खेला जाएगा केनिंगटन ओवल का बारबाडोस के स्टेडियम में। तो ये पिछले मैच का ही वही सेम पिच है। तो लास्ट मैच में हम लोग ने जो देखा था कि बहुत ही ज़्यादा स्पिन हो रहा है ये पिच और टर्न बहुत खतरनाक ले रहा है। तो इसीलिए क्या हुआ था, 120 के अंदर ही वेस्ट इंडीज़ सिमट गया था और इंडिया भी वो रन चेस करते करते 5 विकेट गिर गया था। तो हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्पिनर्स को लेना पड़ेगा। सिर्फ इंडिया का टीम का भी नहीं, वेस्ट इंडीज़ का टीम का भी लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग फैंटेसी के, जब पहले कुलदीप यादव विकेट ले रहे थे तो बहुत फैंटेसी में जब मैंने देखा कि बहुत लोग कुलदीप यादव को कैप्टन वाइस कैप्टन किया था और जादेजा को किया था, तो तब वो लोग टॉप पे थे। पर क्योंकि वो लोग ने गुदाकेश मोती और कैरिया को नहीं लिया था, तो उन लोगों जब इंडिया बैटिंग करने आए तो अचानक चेंज हो गया, रोहित शर्मा विराट कोहली आउट हो गया। तो तब क्या हुआ, तब पूरा 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 फैंटेसी चेंज हो गया। जो लोग एटलीस्ट 2-3 लाख जीतते थे वो लोग चले गए 10,000-1,000 में। तो ये हम लोगों को चेक करना पड़ेगा ध्यान से। तो आज हम लोगों को एक या दो तो लेना ही पड़ेगा वेस्ट इंडीज़ का बॉलर भी। तो हम लोग पहले विकेट कीपर में मैं ले रहा हूँ शेय होप को और ईशान किशन को, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में सिर्फ शेय होप ही रन करेगा। और बैटिंग में सोचना पड़ेगा कि बैटिंग ऑर्डर क्या होगा उसके हिसाब से। अगर बैटिंग में इंडिया फर्स्ट बैटिंग ऑर्डर करेगा तो हम लोगों को रोहित शर्मा विराट कोहली शुभमन गिल को लेना पड़ेगा। अगर चेंज होगा तो आप लोग सूर्य कुमार यादव को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। और वेस्ट इंडीज से मैं ले रहा हूँ सिमरन हेतमायर को, आप लोग चाहे तो ब्रैंडन किंग को भी ले सकते हो। ऑलराउंडर में मैं सिर्फ दो ही प्लेयर को लूँगा, हार्दिक और जादेजा, मायर्स को नहीं लूँगा। मायर्स का बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस है और एकदम घटिया अभी तक का, वो जो भी मैच खेला है ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। तो बॉलिंग में मैं तो कुलदीप को लूँगा, पहले तो मैं स्पिनर्स को चूज़ करूँगा, गुदाकेश मोती को लूँगा। मुकेश कुमार को आप लोग ले भी सकते हो या फिर आप लोग चेंज करके कैरिया को भी ले सकते हो। तो मैं, अगर आप मुकेश कुमार को लेते हो तो आप लोगों को कैरिया और शार्दुल ठाकुर को छोड़ना पड़ेगा। तो ये आपका चॉइस है। अगर देखते हो कि वेस्ट इंडीज फर्स्ट बैटिंग करता है तो इमीडिएटली रोहित शर्मा को छोड़ के विराट कोहली या शुभमन गिल में से एक को ड्रॉप करके आप लोगों को शार्दुल ठाकुर या कैरिया चूज़ करना है। तो अभी तक मैंने सेफ टीम ही चूज़ किया है, तो उसमें कैप्टन मेरा जादेजा है और वीसी मेरा कुलदीप यादव है। ये है मेरा सेफ टीम। तो मैंने क्या बोला, बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से चूज़ करना। अगर वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बैटिंग किया तो विराट कोहली या शुभमन गिल में से एक जन को ड्रॉप करना और बॉलिंग में कैरिया या फिर शार्दुल ठाकुर को ऐड कर लेना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशन। थैंक यू।